अगर आपके घर में भी किसी माइक्रो फाइनेंस कंपनी के लोग पहुंच रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि भागलपुर ही नहीं भागलपुर के आसपास के क्षेत्रों में फर्जी माइक्रो फाइनेंस कंपनी के फर्जी लोग घूम घूम कर लोगों से पैसा ठगने का काम कर रही है। यह फर्जी माइक्रो फाइनेंस कंपनी अभी तक 600 से अधिक लोगों को चूना लगा चुकी है। फर्जी माइक्रो फाइनेंस कंपनी के फर्जी ठग कर्मियों ने अभी तक सैकड़ों महिलाओं को 65,000 रुपए लोन देने की बात कहकर 5,000-5,000 रुपए ठग कर गायब हो चुके हैं। इस ठगी की शिकार सैकड़ों महिला आज साक्षक थाने का घिराव करने पहुंची और अपने पैसों को दिलाने की बात करते दिखी। महिलाओं ने कहा कि फर्जी फाइनेंस कंपनी के लोग हम लोगों से 5,000-5,000 रुपए मोटी रकम लोन दिलाने के नाम पे ले लिए और रातों रात पैसे लेकर फरार हो गई। इसी बाबत ही साक्षक थाने की पुलिस ने जिस मकान में अवैध रूप से माइक्रो फाइनेंस कंपनी चल रही थी उसके मकान मालिक को पूछताछ के लिए थाने लेकर आई और पूछताछ कर रही है। अब सवाल उठता है कि फर्जी कंपनी इतने लोगों को ठग चुकी है, फिर भी ऐसे फर्जी कंपनी के चक्कर में लोग कैसे फंस जाते हैं। अब देखने वाली बात यह हो कि इस पर प्रशासन किस तरह से कंजा कसती है या फिर ठग ऐसे ही फरार होकर घूमते रहेंगे और भोली भाली जनता को अपना शिकार बनाते रहेगी। कितना लिया? 5,000। क्या बोला था? बोला कि हम लोन पास करेंगे 5,000। और 9 तारीख को बुलाया गया यहाँ पे अभी यहाँ पे सब ना है, तले लोग है बैंक में। क्या बोला फिर यहाँ आए तो? यहाँ किया तो बोलेगा कौन? कौन आया था घर पे? नंबर दिया था, फोन नंबर दिया है नंबर। फोन किया, क्या बोल रहा है? लोन चलता है तो बोला कि हाँ, ने इतना बड़ा कागज दिया, कागज देने के बाद ने बोला कि लोन के भरना है तो बोला ठीक है सर हम भर सकते हैं। तो बोला कि सब एड्रेस पता बता दिया, एड्रेस पता बता के उसके बाद बोला क्या कि हम बोले कितना पैसा लगेगा सर? तो बोला कि 5,000 रुपया लगेगा। हम कहे क्या चीज़ का पैसा लगेगा? तो बोला क्या से 3,000 रुपया खाता खोलौनी और 2,000 रुपया इंश्योरेंस करौनी। हम सब 13 ग्रुप में 5,000 रुपया लिया। कितना आदमी दिए आप लोग? 13 ग्रुप दिए हम सब। 13 ग्रुप में कितना आदमी था? कितना महिला? एक ग्रुप 5,000 करके दिया। ग्रुप बाज लिया है तेरा ग्रुप? आदमी भाई आदमी लिया। कौन लिया था पहचानते हो उसको? अमित कुमार लिया है। अमित कुमार लिया है। चंदन सर है या फिर ऑफिस है? ऑफिस पे आके घर पे? हां ऑफिस से आया था, सर बुलाया था। ऑफिस में बुलाया सर, ऑफिस में पैसा लिया, घर में चेक किया। हां ऑफिस कहां पर है? सर अधिकार कंपनी का है सर। क्या करिए सर? अगर 3,000 टका लगता है अगर कितना ग्रुप 13 ग्रुप पर है कितना पैसा पर लिया? सबसे 5,000 ले ला सबसे। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? पैसा चाहिए हमको। छठ महापर्व को लेकर भागलपुर नगर निगम की महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने बूढ़ानाथ घाट, साहिबगंज घाट सहित कई घाटों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बूढ़ानाथ घाट पर गंदगी का अंबार देख वहां पर मौजूद इंजीनियर और नगर निगम कर्मचारी को निर्देश देते हुए कहा कि काली पूजा विसर्जन तक घाट साफ हो जाना चाहिए, नहीं तो कार्रवाई तय है। आगे उन्होंने कहा कि 7 दिन पहले भी बूढ़ानाथ घाट का निरीक्षण किया था, जो स्थिति 7 दिन पहले थी वही स्थिति अभी भी है। पुनः काली पूजा विसर्जन के बाद इस घाट का निरीक्षण करने आएंगे। मेयर को स्थानीय लोगों ने कहा कि हम लोगों की परेशानियों को देखते हुए घाट साफ करा दें, जिससे यहां आने वाले भक्तों को परेशानी नहीं हो। निरीक्षण के दौरान उप महापौर डॉक्टर सलाउद्दीन हसन, पार्षद संजय सिन्हा, पार्षद प्रतिनिधि संजय मोदी सहित स्थानीय लोग मौजूद थे। बूढ़ानाथ घाट का मैं पहले भी की हूँ निरीक्षण, हम तो 7 डेज पहले तो मुझे कहा गया था कि ये 7 दिन के बाद मैडम जब आप आएंगी आपको बहुत अच्छा घाट मिलेगा, पानी घाट के किनारे मिलेगा। लेकिन जैसा मैं देख के गई थी सेम सिचुएशन है, कुछ भी उसमें बदलाव नहीं है। अभी मैंने बात किया है मुकुल करके है इंजीनियर स्मार्ट सिटी का, जो देख रेख करता है बूढ़ानाथ घाट का, तो उन्होंने बताया कि मैडम आप काली पूजा के बाद आएँ, मैं सब कुछ करके पानी किनारे तक ला दूंगा। तो मैं देखती हूँ फिर आती हूँ काली पूजा के बाद, और ये नहीं कर पाएंगे तो देखा जाएगा कि क्या होता है इनके ऊपर, और नहीं हो पाता है जी अल्टरनेटिव व्यवस्था करें,
यहाँ जो व्रती आती है वो कहाँ जाएंगे, उनको तो यही एक घाट है जो जहाँ आते हैं लोग, सैकड़ों लोग आते हैं, लाखों लोग आते हैं, तो उसका अल्टरनेटिव व्यवस्था इनको करना होगा, कैसे करेंगे अब ये जाने। दिनांक 10 नवंबर 2023 को धनतेरस के शुभ अवसर पर आपके शहर भागलपुर में शुभारंभ होने जा रहा है आभूषणों की नए नए डिजाइनों के साथ गणपति ज्वेलर्स सोनापट्टी का सेकंड ब्रांच श्री गणपति ज्वेलर्स। सोने की गहनों की बनवाई पर 50% की छूट एवं हर खरीदारी पर निश्चित उपहार, विगत 20 सालों से आपकी सेवा में, तो आइए इस त्योहार को बनाइए कुछ खास श्री गणपति ज्वेलर्स के साथ। हमारा पता है खरमनचक आबकारी गोदाम के निकट भागलपुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9934453106 और 9470761103। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है, जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। कर्ताओं ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का 34वां जन्मदिन केक काट कर एवं वृक्षारोपण कर धूमधाम से मनाया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राजद के जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर प्रसाद यादव, जिला परिषद सदस्य सह राजद जिला महिला अध्यक्ष एवं 20 सूत्री सदस्य आशा जायसवाल, पूर्व सांसद प्रतिनिधि अरविंद कुमार, अत्यंत पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष नट बिहारी मंडल, जिला महासचिव शशि कुमार सिंह, जिला उपाध्यक्ष सदानंद सिंह, जिला अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष मोहम्मद मिराज, सैनिक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष पंकज शर्मा मौजूद थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजद प्रखंड अध्यक्ष कैलाश प्रसाद यादव ने की। कार्यक्रम का मंच संचालन राजद के नगर अध्यक्ष अफरोज आलम ने किया। कार्यक्रम के दौरान सभी मुख्य अतिथियों ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के जन्मदिन पर केक काटकर वृक्षारोपण कर मनाया। कार्यक्रम में सभी मुख्य अतिथि को राजद कार्यकर्ताओं ने फूलमाला एवं अंगवस्त्र से सम्मानित किया। गोपाष्टमी को लेकर भागलपुर के गौशाला प्रांगण में गोपाष्टमी महोत्सव का आयोजन 21 नवंबर को होने जा रहा है। इस अवसर पर इस बार गौशाला प्रांगण में कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ बच्चों को खेलने कूदने के लिए विशेष आयोजन किया जा रहा है। गोपाष्टमी महोत्सव के महामंत्री गिरधारी केजरीवाल ने गुरुवार को गौशाला प्रांगण में प्रेस वार्ता कर कहा कि इस बार का आयोजन काफी भव्य होने जा रहा है और इस बार विश्व विख्यात भजन गायक विक्रम हजारा मुंबई से पधार रहे हैं। साथ ही भगवान शिव का मनोहारी श्रृंगार, बच्चों के लिए विभिन्न तरह के झूले और भागलपुर के सुप्रसिद्ध कैटरर्स द्वारा खाने पीने का स्टॉल भी लगाया जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि यह गोपाष्टमी मेला का आयोजन कई वर्षों से भागलपुर की गौशाला प्रांगण में होता आ रहा है। महोत्सव का आयोजन 21 नवंबर मंगलवार को आयोजित किया गया है। गोपाष्टमी का महत्व है, पिछले 100 वर्ष से श्री गौशाला भागलपुर में गोपाष्टमी मेला का आयोजन किया जाता रहा है। इस मेले का विशेष आकर्षण ये है कि इसमें दूर दराज के गांव से काफ़ी संख्या में लोग भाग लेते हैं और जो हमारी संस्कृति के महत्वपूर्ण हिस्से हैं वो जो विलुप्त होते जा रहे हैं वो सब इस गोपाष्टमी मेला में लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। इस बार के गोपाष्टमी मेले में विक्रम हाजरा जी बम्बई से भजन संध्या के लिए पधार रहे हैं। सुबह 7 बजे से गोपूजन होगा, 9 बजे हवन होगा, विभिन्न प्रतियोगिताएं होंगी जिसमें चित्रकला प्रतियोगिता है, फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता है, डांस प्रतियोगिता है। इस तरह से समस्त आयोजन जो है संपन्न होंगे और इसमें खाने पीने के बहुत सारे स्टॉल लगेंगे, बच्चों के लिए झूला और ये सब का आयोजन किया जाएगा। तो इस तरह से ये मेला परंपरागत तरीके से 21 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। माननीय मंत्री महोदय अश्विनी कुमार चौबे उद्घाटन करेंगे। कितने दिन का ये मेला रहेगा? ये मेला 1 दिन का होता है और बाद में फिर ये 3-4 दिन 5 दिन तक चलते रहता है। तो
भागलपुर की सैंडिस कंपाउंड के इंडोर स्टेडियम में कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार राज्य खेल प्राधिकरण पटना और भागलपुर जिला प्रशासन की ओर से राज्य स्तरीय विद्यालय बालक बैडमिंटन अंडर 14-17-19 की प्रतियोगिता प्रारंभ हो गई। प्रतियोगिता का उद्घाटन SSP आनंद कुमार, नगर आयुक्त डॉक्टर योगेश सागर, जिला बैडमिंटन संघ के सचिव सत्यजीत सहाय, जिला खेल प्राधिकारी जय नारायण कुमार ने सामूहिक रूप से फीता काटकर बैडमिंटन खेल कर किया। प्रतियोगिता 10 नवंबर तक चलेगी जिसमें प्रत्येक जिले से एक ग्रुप में 4 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। उद्घाटन के मौके पर जिला एथलेटिक्स संघ के सचिव मोहम्मद नसर आलम, बैडमिंटन कोच मिथिलेश कुमार, जयंत राज, अभिजीत सेठ के अलावे दर्जनों खिलाड़ी भी मौजूद थे। धनतेरस आने वाला है। धनतेरस में मोबाइल की बिक्री जोरों पर रहती है। मार्केट में लोग एक से एक ऑफर देकर ग्राहकों को लुभाने में लगे हैं। ऑफर्स की बरसात हो रही है। ऐसे में भागलपुर के तिलका मांझी में तिलका मांझी थाना के पास स्थित मोबाइल ट्रेंड्स स्टोर भी धनतेरस और दीपावली को लेकर आपके स्वागत को तैयार है। इस मोबाइल स्टोर में सभी ब्रांड जैसे कि ओप्पो, रियलमी, वन प्लस, मी, आईफोन, इन्फिनिक्स, टेक्नो, नोकिया, वीवो, सैमसंग के सभी रेंज के मोबाइल फोन मिल जाते हैं। आपका बजट कुछ भी हो, यहाँ आपको हर बजट का मोबाइल फोन मिल जाएगा। साथ ही हर तरह के एक्सेसरीज जैसे कि ईयरफोन, ईयरबड्स, चार्जर, डेटा केबल भी उपलब्ध है। यहाँ सभी तरह के फोन उपलब्ध हैं, इवन कीपैड से लेकर के एंड्रॉयड, आईफोन, और लगभग 8,000 की कीमत से लेकर 85,000 रुपये तक के फोन उपलब्ध हैं मेरे यहाँ। और सभी वर्ग के लोग परचेस कर सकते हैं मेरे यहाँ से। परचेस करने के लिए मैं तो सेल करता ही हूँ फोन। फोन के सेल करने के साथ साथ मैं अपने कस्टमर को विश्वास भी देता हूँ कि मेरे यहाँ से जो भी प्रोडक्ट वो परचेस करेंगे उन्हें एक विश्वास भी मिलेगा और उन्हें एक अच्छे सर्विस की गारंटी मैं देता हूँ। मैं अगर सर्विस की ज़रूरत पड़ी, कुछ कस्टमर्स नहीं आ सकते हैं, मैं उनके घर तक अपनी सर्विस को प्रोवाइड करता हूँ। मोबाइल ट्रेंड शॉप के ऑनर ने बताया कि हम मोबाइल की बिक्री भरोसे और विश्वास के साथ करते हैं। ग्राहकों की संतुष्टि ही हमारा मोटो है। हम ओरिजिनल प्रोडक्ट बेचते हैं, वो भी बेस्ट कीमत में। हमारे यहाँ से मोबाइल लेकर आपको कभी भी पछतावा नहीं होगा। साथ ही हमारे यहाँ आफ्टर सेल्स भी शानदार सर्विस दी जाती है। अगर कभी भी आपके मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप सीधे मोबाइल लेकर हमारे पास आ सकते हैं और हम सर्विस सेंटर से उसकी सर्विसिंग करा के देंगे। और ग्राहक अगर हमारे स्टोर में नहीं आ सकते तो हमारे स्टोर से कोई उनके घर तक चला जाएगा और उनका मोबाइल रिपेयरिंग करा कर उनको वापस कर देगा। मोबाइल ट्रेंड्स स्टोर में लोन पर भी आप फोन ले सकते हैं। आप मामूली कीमत देकर 0% इंटरेस्ट पर कोई भी फोन खरीद सकते हैं। सिर्फ आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड लेकर आना है और अपना मनपसंद फोन ले जा सकते हैं। लगभग सभी ब्रांड के फोन उपलब्ध हैं, वन प्लस, ओप्पो, रियलमी, वीवो, आईफोन, वन प्लस, सैमसंग, लगभग सभी प्रकार के फोन्स जो भागलपुर में उपलब्ध हैं, उन सारे ब्रांडेड फोन्स मेरे यहाँ एंड्रॉयड उपलब्ध हैं। इवन मोटरोला कीपैड, आईटेल एंड नोकिया, ऑल दिस थिंग्स, ये सब फोन्स उपलब्ध हैं मेरे यहाँ। अगर किसी कस्टमर के पास पैसे नहीं है, वो हमारे पास फाइनेंस पर आकर के ले सकते हैं। हम 0% इंटरेस्ट पर अपने फ़ोन को उपलब्ध कराते हैं अपने कस्टमर्स के लिए। कुछ लोगों के पास जैसे आते हैं कस्टमर, मेरे पास कुछ ही पैसे हैं तो उनके पास जितने पैसे रहते हैं, सपोज दैट 2,000 है, 1,500 है, 3,000 है, तो उनकी सुविधा अनुसार हमें उन्हें फाइनेंस पर अपने फ़ोन को उपलब्ध करवा देता हूँ ताकि वो भी खुश रहे और भगवान की दया से मेरे स्टोर भी चलता रहे। सबसे पहले कि कभी किसी को धोखा नहीं मिलेगा, मेरे यहाँ सारे फोन्स ओरिजिनल रहेंगे, पूरे ब्रांडेड रहेंगे, कभी कोई खुला पैकेट नहीं मिलेगा मेरे यहाँ से, सील पैक रहेंगे और उनके साथ साथ सारे फ़ोन के विश्वास और सर्विस अच्छी रहेगी, उसकी गारंटी मैं देता हूँ। आफ्टर सेल सर्विस, अगर किसी को कोई दुविधा हुई, मैं उनके घर पर भी अपने सर्विस को प्रोवाइड करता हूँ। अगर वो आ सके हमारे आउटलेट पर, बहुत अच्छी बात है। मैं अपने कस्टमर को एक सुविधा प्रदान करता हूं कि अगर उन्हें कभी, भगवान की दया से आज तक कभी कोई ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन अगर कभी हो जाता है, क्योंकि ये टेक्निकल है, तो मैं अपने कस्टमर को बोलता हूं आप मेरे आउटलेट पर आइए, मैं आपके लिए सारी सुविधा उपलब्ध करवाऊंगा, मैं आपके लिए सर्विस सेंटर जाऊँगा, मैं वहाँ से सब कुछ कर सकता हूँ। ऑफकोर्स मैं एक IT इंजीनियर हूँ।
और मैं उन लोगों के अच्छे से अच्छा सलाह दे सकता हूँ, और ये फोन्स के बारे में मुझे अच्छी जानकारी है। तो एटलीस्ट कोई भी फ़ोन खरीदने के लिए हमारे कस्टमर आते हैं तो मैंने उनसे डिस्कस करके और अच्छे से अच्छी सलाह देता हूँ कि किस तरह के फ़ोन्स आपके लिए उपयोगी हैं और किस तरह के फ़ोन आपको अच्छे रहे, आप पर भी सूट करेंगे और अच्छा चलेगा। मेरे पास फ़ोन के अलावा सारे फ़ोन्स के एसेसरीज अवेलेबल हैं, इवन चार्जर, डाटा USB केबल एंड एयरफोन्स, हेडफोन्स, नेक बैंड, एयरबड्स सभी उपलब्ध हैं। कुछ ऑफर्स रुपए में भी हैं, कुछ गिफ्ट्स भी हैं। मैं अपने हर एक कस्टमर्स को कुछ न कुछ उपलब्ध करवाऊंगा। धनतेरस और दीपावली पर मोबाइल ट्रेंड्स में ऑफर भी मिल रहे हैं, साथ ही ग्राहकों को गिफ्ट भी दिए जाएंगे। तो अगर आप भी शानदार फोन वो भी पूरे भरोसे के साथ लेना चाहते हैं तो भागलपुर के तिलकामांझी में तिलकामांझी थाना के पास स्थित मोबाइल ट्रेंड्स स्टोर पर एक बार जरूर विजिट करें।